नमस्कार, कैसे हैं आप? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पलटू चाचा। नीतीश कुमार क्या फिर से बीजेपी की तरफ पलटी मारना चाहते हैं और शाह अब की बार कोई अवसर नहीं देना चाह रहे? आरजेडी के साथ नीतीश की लगातार दुर्गति हो रही है। लगातार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र ही उन्हें अपमानित कर रहे हैं। सुधाकर से लगातार अपमानित होते नीतीश कुमार के बचाव में जब उपेंद्र कुशवाहा कूदे तो नीतीश ने तेजस्वी के दबाव में कुशवाहा को ही कलंकित करना शुरू कर दिया, यह कहना शुरू किया कर दिया कि अपने मन से आए हैं, अपने मन से चले जाएंगे, जिसको जिधर जाना है उधर जाए। रहे बहुत अच्छा, नहीं रहे कहीं और जाए अपनी इच्छा। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए, आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। जी, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के दबाव में इस कदर हैं कि अपनों से ही कन्नी काट रहे हैं। तो लगातार उपेंद्र कुशवाहा अपमानित होते रहे, अब नीतीश को अपमानित करने के एजेंडे में लग गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश भक्त अपने आप को साबित करने लगे थे, उन्होंने कहा है कि बड़े भाई बाप की संपत्ति पर पूरा पूरा कब्जा कर ले, ये छोटा भाई कैसे बर्दाश्त कर लेगा? हम पार्टी से यूं ही नहीं जाएंगे, अपना हिस्सा लेकर के जाएंगे। तो ये हिस्सा क्या है जो उपेंद्र कुशवाहा लेकर चले जाना चाहते हैं? बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर? कभी नीतीश के सबसे क्लोज रहे आरसीपी सिंह उनसे बाहर हो गए, नीतीश का बाल बांका नहीं कर पाए। नीतीश इसी अहंकार में रहे कि उन्होंने जब चाहा जिसको चाहा बगल का रास्ता दिखा दिया। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार में बड़े नाम थे। जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान केंद्रीय नेतृत्व में थी, बिहार के मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ते थे, लेकिन नीतीश ने नहीं चाहा तो निर्दलीय लड़ लिए थे जॉर्ज फर्नांडिस, औकात उनकी भी बता दी गई। शरद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और शरद यादव को नीतीश ने दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया। नीतीश को यही गुरूर है कि पिछले दिन उन्होंने आरसीपी सिंह का भी तो यही दुर्गति किया। उपेंद्र कुशवाहा का ये हाल उन्होंने कई बार पहले भी किया, इसीलिए इस अहंकार में हैं कि नीतीश से अलग होने के बाद बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अब की बार उपेंद्र कुशवाहा कुछ दूसरे ही मूड में हैं। उनसे बगावत इस तरह से किसी ने की नहीं थी। तो क्या बीजेपी का शह मिल रहा है उपेंद्र कुशवाहा को? और बहुत हौले हौले शाह बिहार में नया गेम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जातिवादी जहर इस कदर है कि भाजपा कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे भी नरेंद्र मोदी ठंडा करके खाने में भरोसा करते हैं। महाराष्ट्र में मोदी समर्थकों में भी बड़ी जल्दबाजी थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी मोदी ने हौले हौले काम किया और आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जिस दुर्गति में है वो पूरा देश देख रहा है। तो क्या महाराष्ट्र से भी बड़ा खेल बिहार में होना है? एक ऐसा राज्य जहां हर चीज जाति से तय होता है, उस स्टेट में अमित शाह और मोदी कोई दूर का खेल खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लालू यादव के उत्तराधिकारी की गद्दी संभाल ली है। घर में लड़ाई थी दोनों भाइयों की, वह भी सध गई है।
यादवों ने तेजस्वी को अपना नेता मान लिया है। ऐसे में MY समीकरण भी फिट बैठने लगा है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी को सत्ता सौंपने से नीतीश खेल खेल रहे हैं, पार्टी के अंदर ही बगावत हो रही है। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया 2025 में बनेगा ना यही CM राज्य का। सर तेजस्वी जी को नेतृत्व करने को लेकर आपने सर कहा है सर 2025 एकदम करेगा, समझ गए ना सर। जी, नीतीश कुमार के इस चाल के बाद से लालू खेमे में बड़ी तिलमिलाहट है। यदि लालू यादव आज बिहार में होते, इलाज की मजबूरी ना होती, तो आज नीतीश का कांड किया जा चुका होता। नीतीश जानते हैं कि तेजस्वी अब की बार उनके साथ गेम नहीं कर सकते। ऐसे भी नीतीश के साथ किसी ने गेम नहीं किया है, हमेशा गेम नीतीश ही तो करते हैं। जब मर्जी तब BJP के साथ आ जाना, जब मर्जी तब RJD के साथ चले जाना। लेकिन अब की बार वो इतनी पलटी मार चुके हैं अब कि वो पलटू राम नग्न हो चुके हुए हैं। अब अपने ही उन्हें तबाह करने की होड़ में हैं। तो क्या बिहार में बहुत हौले हौले खेल हो रहा है? बिहार में 17 साल से अकेले नीतीश की सत्ता है, लगभग 3.5 दशक से लालू और नीतीश की सत्ता है। और उस दौर में बिहार सबसे बदहाली के दौर में चला गया। जब देश नई ऊंचाई गढ़ रहा था, बिहार बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था। अब ये समझ देने के लिए प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर भी लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार पलटू राम हैं, ये नीतीश कुमार भीख मांग रहे हैं, जातिगत जनगणना करा रहे हैं और केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर घूम घूम कर यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर लालू पुत्रों में ऐसी क्या योग्यता है कि जो आपके बच्चों में नहीं है। 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री और 5वीं फेल पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्री हो जाएगा तो इस राज्य की सेहत का क्या हाल करेगा? तो क्या चौतरफा जमीनी खेल हो रहा है? क्या अमित शाह और मोदी ये जानते हैं कि इस जातिवादी राज्य को यूं नहीं निपटाया जा सकता, यूं नहीं इसका ऑपरेशन किया जा सकता? इसीलिए नीतीश के सहयोगी RCP सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और जमीन पर दूसरी तरफ RJD के अंदर बढ़ते विद्रोह को भांपते हुए एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। क्या पूरे बिहार की राजनीति के लिए ही मोदी पसमंदाओं की बात कर रहे हैं, एकाएक मुस्लिम तुष्टिकरण में छेद करने का खेल? क्या ये पसमंदा की राजनीति सिर्फ UP के लिए है या मूल रूप से बिहार के लिए? पसमंदाओं की संख्या ज्यादा है, मतलब दलित, पिछड़ित, मुसलमान, लेकिन राजनीति करने के लिए यह अशराफ गैंग कहता है कि मुसलमानों में जाति नहीं होती। लेकिन अब खुल करके सामने आ गया कि मुसलमानों में जो जाति प्रथा है वो हिंदुओं से ज़्यादा घिनौनी है। ऐसे में अब पसमंदा मोदी की पहली पसंद होने लगे हैं। बिहार में यही लालू की ज़मीन काट रहा है, इसी की बेचैनी है। तो समझा जा सकता है कि पलटू चाचा और तेजस्वी यादव के बीच जो टसल चल रहा है, उस टसल के पीछे क्या है। प्रशांत किशोर, उपेंद्र कुशवाहा, RCP सिंह के बीच ये पसमांदा राजनीति क्या हौले हौले बिहार की जमीन से लालू और नीतीश का आधार खींच रहा है? लगभग 3.5 दशक से जिस बंधु बिहारी ने इस राज्य पर अपना कब्जा कर रखा था, इस जातिवादी जहर से आज भी वो जातिवाद का खेल खेल रहे हैं। पिछड़ों का इन 3.5 दशक में क्या कुछ विकास हुआ, ये बताना नीतीश और लालू के लिए बहुत मुश्किल है। अब इस राज्य में परिवर्तन महाराष्ट्र की तरह इतना आसान भी नहीं है। लेकिन नीतीश को अब पलटी मार के दूसरी तरफ लाने के बदले क्या शाह
बड़े प्लानिंग में हैं जो अब पर्दे के बाहर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उथल पुथल जबरदस्त है। बिहार क्या नई करवट ले रहा है? बड़ा हौले हौले क्या बिहार में नीतीश और लालू के कलंक से मुक्ति की करवट बदली जा रही है? यही देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।